नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्ति चैनल निवेदित काव्यरस कार्यक्रम आ गोटे नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत। काव्यरस जो लुह तले कांद तले हस तले जीवन प्रवाह तले लुचि थाए जो अंतरंगता जो अलौकिक अनुभव ताकू खोज बाहरीचे आमे आपण मैने से आम कथा हो गंगाधर तपस्विनी काव्यर अष्टम सर्ग संपर्क। मो सहित अच्छा आपण मानकर परिचित वाद्यशिल्पी बंधुगण, अच्छा गायिका सस्मिता मिश्र एवं आमे कथा होते गत अध्याय जेते बेले वाल्मीकि आश्रम रे सीता निजर पुराणा जीवन को नहीं चिंतित से बेले सखी चिंता सुंदरी आसी कहुचंती तांकू भेटिबा पई किए आसचंती कहू नाहंती किए कहूनाहांती केते जण किंतु तांकर भीतर जण को डाकी सीतांक पाखरे उपस्थित करै सारिथिले। गत अध्याय रे गंगाधर ना कहि नथिले, उत्कंठा टिके रखिथिले, संभवत एही अध्याय रे सेथिरु पर्दा उठिब किए से काहं के आसिथिले कोन कहुथिले सुनिबा। मने थिबा आपण मानकर आमे पूर्व अध्याय सरी आसला बेलू ये प्रसंगर अवतारणा करथिले जोठी भद्र व्यक्ति आसी पहुँचिले जेतेबेले सीतांक आगरे कौन कहिथिले जे माँ पूर्व कथा मने अछि तो एक कथा कही तांकर कथा कहिबा आरंभ करथिले। जानिच माँ जो झरणा मैने मो पर्वत गुहार बाहर थिले से माने एबे भी तुमको खोजुचंती, जो नदी मैने मो ऊपर दे प्रवाहित होथिले से नदी मानक देहरे एबे भी तुम अंग श्रीअंगर बास्ना सुरभि एबे भी सतेज अछि। खाली नदी आउ झरणा मानक कथा कहू नाहंती, ता सहित जोडुचंती कहा कथा ना जोडुचंती सेठी रहुथवा मयूर मानक कथा। साधारणतः पोषा जीवटिया आमे जेतेबेले पशु गोटे जंजीर बा शृंखला सिकुली रखु नहले ताकु पंजुरी रे बांधिक रखु, किंतु सीता बांधिथिले आत्मीयतारे। तेणु से मयूर मैने माँ जो मान तुम्हें प्रीति देकी पालन कर तुम ना गाँव तुमर गुण स्मरण करमको मन पकाचंती एक कही चली से भद्र व्यक्ति ना उल्लेख नक निजर पुणी कौन कहते ना बेले बेले एमती भी हुए माँ
आकाशरे मेघ माने भासी आसंती आसिक पचारती सीता केउंठी अछंती मु नीरव रहे उत्तर दे पारे ना मो नीरवता को समाने संदेह करी जेते सब पर्वत अछि दरी की दरी अर्थात पर्वतर गुंफा सब अछि सेठी जाकि खोजती तुमको सीता सुंदरी सीता माँ कौटी अच्छा कौटी आत्मगोपन करती माँ फेरी जाती किंतु फेरी गला बेल भी दुख आ लुहर वर्षा हुए परवर्ती पद को जी कौन कहते गंगाधर ये उत्कंठा को आउ केत बाट आग को नौ जाना काव्यर अनुसंधिचार उत्कंठार जो गंठीटी थिला ताको एठी फिटेबा पूर्वरु गंगाधर आउ गोटे प्रसंगर अवतारणा मध्य कले जेमिति मेघ माने भासी गला बेले घड़घड़ी टिकिए हुए बिजुली टिकिए हुए बा घड़घड़ी बिजुलीर संभावना थाए से प्रसंग को ए दृश्य सहित जोड़ी देले कवि एवं कहिले जानिछ माँ से जो मेघ माने आसी मते पचारंती सीता सुंदरी कुआडे गले सीता माँ कुआडे गले बोली एवं न पाई पर्वतरे पर्वतर गुंफा मानकर खोजंती सेतिक बेले सेने मंद्र गंभीर स्वर रे मते पचारंती पचारिला परे उत्तर मु देई पारे ना मु तो माँ कोठी अछंती कहि परिबि नाही जानिनी अज्ञता वशतः जेतेबेले मु नीरव रही जाए सेने मते संदेह करबा आरंभ करंती आ कोन करंती ना संपा अर्थात बिजुली बिजुली आलुओ धरी सेई पर्वत गुंफा गुडीक आउ थरे खोजंती एवं ता परे ता पर पदरे गंगाधर किए से व्यक्ति तार परिचय दौंती परिचय देला बेले कौन कहते जो भद्र व्यक्ति आसी सीता सामना को कहते माँ मु सीए जार भूमि तुम चरणर धूली रे पवित्र होची से चित्रकूट आश्रम से चित्रकूट वनस्थल अर्थात व्यक्ति एटी आसीने सीता भेटापी प्रकृति को चरित्र रूपातरण करने उद्यम करंगाधर एवं चित्रकूट आश्रम जेतेबेले समय बीते सीता बनवास काल रे जो समय जो स्मृति जो अतीत सेठी छाड़ी दे आसी पाथेय कर जीवन बंचुवा चित्रकूट आश्रम आज आसी वाल्मीकि आश्रम को सीता दुस्थित बेले आखि पुरे देख शक्ति संग्रह कर पुणी जीवन जीवार बाट खोज आउ जन कथा कहते गंगाधर आउ जे किए कितु कहला बेले कहले कौन ना तापर उभा एक नव रंगिणी
अर्थात स्त्री लोक जणे किए नारी जणे किए कहिले नाही ना कहिले केवल एतिकी केही जणे नारी जिए प्रवाहित हेले जिए बाट चलले कौन हुए बोली कहिले ना स्वच्छ उज्ज्वल कांति अर्थात गोटे उज्ज्वलता गोटे आलोकर दीप्त प्रभा प्रस्फुटित हुए खाली सेतिकी हुए नी आहुरी मध्य कहिले जे आतप ताप दर्प गंजिनी अर्थात जो सूर्यकिरण जो प्रखरता अच्छी जो उत्ताप अच्छी तार गर्व को जे भांगी पारे अर्थात शीतलता प्रदान करी पारे सी आसी तथापि ना कहले कौन कहले ना कानन सुंदरी चीर संगिनी एठी तो चित्रकूट आश्रम प्रसंग गला एठी पुणी कहले कौन ना बनरे जो मैंने बसवास करती बनकन्या मानकर जे चीर साथी सी आसी आदौ ना कहले ना मन पकातु गत अध्याय आम कथाई आश्रम पाखे केतेज अपेक्षा करीता भेटापी व्यक्ति आसुना दृश्यटी आसूची व्यक्ति आसुना आश्रमटी आसूची व्यक्ति आसुना बनस्थलटी आसूची ये प्रभाव चली प्रक्रिया चली तार भितर ये रहस्यमय नारी किए हो पारती गंगाधर भाषा से धारा केमी आग को प्रवाहित होगा सौंदर्यर वर्णना करुंट सिना गंगाधर ना कहूना किए से रहस्यमय नारी किंतु वेश वर्णना आरंभ हो सारे कहगला गलार जहाँ शोभा पाँच ता कौन ना गिरी मल्लिका बण मल्लिक गलार शोभा पाँच कर्ण भूषण भाव में कौन प्रभाव रही नील रत्नर पथर नील रत्नर पथर को से कान पिंधि मधुके अर्थात महुल फुलरे तांकर ललाट प्रस्फुटित होची महुल फुलटी गोटे निशा बा आसक्तिर प्रतीक तेणु महुल फुलटी गुरुत्वपूर्ण नुहे अर्थात तांकर ललाट रे प्रलोभनर शताधिक कारण अच्छी एक कथा बुझाई दौंती गंगाधर पुणी से जेतेबेले आसी सीतांक सम्मुखरे पहुँचुचंती कौन कहिबाकु जाउचंती तार वर्णना परवर्ती पदरे गले जणा पड़िबो परवर्ती पद शुणिबा ये से नारी जार बेणीर रंग नील ये से नारी जे गलार पिंधि बण फुलर माल ये से नारी जार जीवा आसवा शांति प्रदान करुच्ची तार तीरवासी ये से नारी मध्य जी
आतप गंजनकारिणी भाव में परिचिति पाउछि, किंतु तथापि मध्य गंगाधर तांकर नाम उल्लेख कले नाही एवं वक्तव्य आरंभ करदेले। से रहस्यमय नारी जनक सीतांक सम्मुखरे जाई उपस्थित होई कौन कहउछंती, मां जेतेबेले मु तो पाखरे पहुँचिची मोर कृतज्ञता तुम्हें ग्रहण कर, कृतज्ञतार करपुट धरी से रहस्यमय नारी जनक आसचंती माँ मु तोरी स्नेह पाई बोली सारा जीवन तोर ऋणग्रस्त हो काल अतिवाहित करुची, जदि मोर भक्ति सत, जदि मोर भल पाइबा सत, जदि ये जीवन सत्य ताहले मते आहुरी शक्ति दे माँ, मु अन्य मानंक पई आहुरी सुखर कारण हो पारे। किंतु ए पर्यंत मध्य गंगाधर उल्लेख करूनाहंती ए रहस्यमय नारी किए काहिंकि तांकर आगमन। टिके पूर्वर चित्रकूट आश्रमर आगमन बेले ए एका पद्धति अनुसरण करथिले गंगाधर, एबे ए रहस्यमय नारीक पई सौंदर्यवाचक गुणवाचक अनेक विशेष्य विशेषण खंजी सारा परे मध्य नाम उल्लेख करूनाहंती। निर्दिष्ट शब्दटी पाखे तो मुझे बारंबार अटकी जाऊँ, जोटी कह जाऊ आतप ताप दर्प गंजिनी बोली, अर्थात खरा को पोछीदे पार्थ्वा किए जणे नारी सीए, एवं खरा एवं सती जीवन रे, खरा एवं सीता जीवन रे, ये स्वर्ग खरा दिन स्वर्ग ग्रीष्म ऋतुर वर्णनार स्वर्ग, एवं से रहस्यमय नारी जे खरा पोछीदे पारती किए सीए जाणी परिचय परवर्ती पत्र। गंठी फिटेदेले गंगाधर, तोदत्त उपाधरे मु महानदी, जी रहस्यमय नारी भाव में आम कथा होते जहाँ संपर्क से कहीदे ये सीतांक प्रदत्त उपाधि पाई मु महानदी तो पाखक आसचिमा। यही अध्यायर पूर्वर आसी चित्रकूट आश्रम, एवं आसी महानदी चरित्रटे ही, एवं गंगाधर जन्म महानदी निकटवर्ती अंचल बरपाली, तेणु सीए महानदी को देखी। संबलपुर अंचल विश्वास अच्छी जे महानदी गर्भरे सुनार संधानर संभावना अच्छी। हीरार क्षेत्र तैयारी बोली नामटे हीराकूद, तेणु हीरक क्षेत्र सहित गंगाधर ताकु आनी जोड़ुचंती निज अंचल को रामायणर पौराणिकता सहित पुराणर विश्वास सहित महनीयता प्रदान करुचंती। महानदी जे माँ केते तो मोपरी थिले, मोपरी तो अनेक नदी प्रवाहित होउथिले, एमिति मु तो कृपा पाई नदी केते जण, मु तो कृपा पाई बोली सिना नदी महानदी में रूपातरित होता को पुणी आग को बढ़ाऊँच कहते तोरी रेणु तोरी दृष्टिपातर रेणु रे सते जमी मो बाली सुनार फुआर तैयारी केवे थे चाहू मो बक्ष को माँ मो बाली सेज को माँ से सुनार संभावना केवे थे क्रीड़ारत थिला बेले तो मनरे कौन गोटे रंजन भाव थिला आमोद भाव थिला से मो क्षेत्र मो उर क्षेत्र कौन हो गला ना हीरक क्षेत्र रे रूपांतरित हो गला। आंचलिकता को
विश्व सहित जोड़ुंट आंचलिकता को पौराणिक विश्वास सहित जोड़ुंट कवि गंगाधर एवं सहित पुणी कहते गिरीन्द्र सूता था गिरीर जे इंद्र हिमालय कन्या सूता तांकर कन्या भाव में क्या से अवहित करा विष्णुपदी को अर्थात विष्णुपदी विष्णु पादर या गंगा गंगा थांतु मा किंतु मु तो स्पर्श पाइला आउ मो जीवन रे अधिक पुण्यफल कौन आवश्यक लक्ष्य कले आपण महानदी टे पलै आसला सीतांक पाखकु चित्रकूट आश्रम टे पलै आसला सीतांक पाखकु अंचल टे रूपांतरित हला व्यक्ति रे जोठी व्यक्ति व्यक्तिर दुख बुझी पारुनी व्यक्ति व्यक्तिर शोक संताप बेले पाखरे ठिया होनी हात आंसा टिके दौनी आश्वासना टिके दौनी सेठी गंगाधर परिकल्पना करुछंती प्रकृतिर प्रकृति को चरित्र भाव में उपस्थापन कर आश्वासनार मलम लगे दौंती पुरुणा घरे पुरुणा दुखरे पुरुणा जीवन वृत्तांत जेतेबेले कष्ट अच्छा सीता जीवन वृत्तांत को नहीं घाटी होती पद्म फूल ठारू आश्वासना खोजुंती तो जीवन में सीना पुणी नुआ सूर्य उइबे मो जीवन में से संभावना अच्छी नहीं कह पद्म बोली से आश्वासनार मलम धरी आश्वासनार कमंडलु धरी किए आसुचंती चित्रकूट आश्रम जने व्यक्ति हे आसुचंती जेतिक बेले जीवन रे खरार साम्राज्य जेतिक बेले वाल्मीकि आश्रम ग्रीष्म ऋतुर प्रभाव से बेले खरा को पोछी पकाउथिबा खरार ताति को शीतलतार पोशाक पिंधौथिबा महानदी आसुचंती तेणु ये गंगाधर सार्थकता जोटी से प्रकृति को व्यक्ति पाखे आया कर दौंती कहते ये ही आश्वासनार कारण हो पारती ये ही आश्वासनार सेतु हो पारती यू आश्वासना संग्रह कर पुणि थे जीवन जीवार उपादान ग्रहण करापे यही आश्वासना खोजार पर्व आज कितु यही रखा परवर्ती अध्याय गंगाधर तपस्विनी अष्टम स्वर्गर काव्यरसर आउ गोटे नुआ अध्याय आम ए विषय निश्चय कथा सेत जाए विदाय दिंटू।